अपने बार आज तक न्यूज की खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। दिन टोकर के लिए एक अपूर्ण क्षति का दिन रहेगा। टोकर निवासी श्री मां जगन्नाथ जी जोशी, जो कि जनसंघ के बहुत ही प्राचीन पुरोधा रहे हुए हैं, एक प्रकार से इन्हें क्षेत्र में वन मैन आर्मी कहा जाता है, टोकर के संकट मोचक जो आज नहीं रहे, टोकर के प्रथम सरपंच रह चुके हैं और आसपास के क्षेत्र के हजारों लोग इनकी आज सब यात्रा में शामिल हुए। ट्रैक्टर के साथ इनके पूरे गांव में सब यात्रा का जुलूस निकाला गया और आने वाली पूरी पीढ़ी जितना टोकर में आज नजर आता है, जितना विकास काम नजर आता है, उसके लिए नीव कीट श्रीमान जगन्नाथ जी जोशी थे। शायद आने वाली पीढ़ियों को ये नाम पता भी नहीं चलेगा, परंतु जो आज की पीढ़ी जो इन्हें अच्छी तरीके से जानती है, जिन्होंने उनके साथ राजनीतिक यात्रा की पारी की शुरुआत की थी, वो हमेशा इस शख्सियत को याद रखेगा। यस डन। मैं ललित पंड्या, गांव टोकर। आज हमारे भूतपूर्व सरपंच श्रीमान जगन्नाथ जी जोशी साहब, अकस्मात उनका निधन हो गया लंबी बीमारी के बाद में। 95 इयर्स के वो वन मैन आर्मी, जैसे भाई साहब ने कहा था, हमारे पूरे क्षेत्र के ऊपर उनका आशीर्वाद था। जहां तक मुझे याद है, बचपन में प्राइमरी शिक्षा से लेकर उन्होंने जो इस गांव को दिया है, जितने यहां काम करवाए हैं, वो अभूतपूर्व है और उनकी कमी कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। और आज मुझे ये लगता है कि हमारे ऊपर एक बड़ा जो आशीर्वाद रूपी जो बड़ा हाथ था, वो आज हमारे ऊपर से हट गया है, तो इस कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। और दुनिया की सेवा की मेरे ताऊ जी का मेरे जीवन पे काफी गहरा प्रभाव रहा। आज इनके जाने से सिर्फ उनका ही नहीं, अपितु एक युग का अंत हुआ है। जो क्षति हुई है हमारे परिवार को या हमारे गांव को, अब वो नहीं बच पाए। परिवार शुकाकुल है। दो शब्द में कहूँ तो टोकर गांव के और श्रीगोट समाज के भीष्म पितामह ने आज अंतिम सांस ली। दो शब्दों में यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से उनका नाता रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि विरोधियों का खेमा चाहे केंद्र से भी आया हो, चाहे वाजपेयी जी की बात करें, चाहे भैरू सिंह शेखावत की, चाहे रघुवीर जी की बात करें, चाहे गुलाब चंद कटारिया की या चाहे दयाराम जी परमार की, हर कोई उनके मुरीद रहे हैं। आज हमारा परिवार सुखाकुल है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, इसी चरणों में हमारे ताऊ जी को स्थान प्रदान करें।